छह महीने की ट्रेनिंग करने का भी नहीं, नौ महीने की ट्रेनिंग होनी है तो नौ महीने की ट्रेनिंग होगी। हम इसका विस्तार कर जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग, ऊपर अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी वर्तमान समय में चल रही है, जिसमें 60,244 पद हैं, उसकी ट्रेनिंग से संबंधित एक न्यूज सामने निकल कर आई है, जिसमें ट्रेनिंग 9 महीने की होगी ये कहा जा रहा है। और इसके साथ ही JTC में क्या होता है और RTC में क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोगों के रिजल्ट के बारे में। आपका रिजल्ट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिवाली गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है दीपावली से पहले। 26-27 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। और दिवाली मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिसका नाम लिस्ट में होगा तो उसकी दिवाली तो इस बार डबल खुशी की होने वाली है, और जिसका नाम नहीं होगा तो उसकी दिवाली कहीं ना कहीं दुख में बीतने वाली है। तो दोस्तों आप तैयार रहो, किसी भी दिन आपका रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। उसके बाद आप लोगों के शुरू हो जाएंगे फिजिकल, तो फिजिकल के लिए आप लोग रेडी रहो और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। आप लोगों की ट्रेनिंग अब 9 महीने की होगी, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी 19 बैच की या 21 बैच की या 18 बैच की, वो ट्रेनिंग 6 महीने की हुई थी। लेकिन अब CM योगी जी ने आदेश कर दिया है कि अब जो ट्रेनिंग होगी वो 9 महीने की होगी। और अब से कुछ साल पहले 2011 बैच की ट्रेनिंग भी 9 महीने की हुई थी, यानी पहले ट्रेनिंग 9 महीने की ही होती थी, बीच में सरकार चेंज हुई तो उन्होंने ट्रेनिंग 6 महीने की कर दी। तो अब फिर सरकार ने इसका टाइम चेंज कर दिया है, अब फिर ट्रेनिंग 9 महीने की होने वाली है। और 9 महीने में क्या क्या होता है, सबसे पहले होती है हमारी JTC, यानी जब आपकी आमद हो जाएगी। JTC होता है जनपद ट्रेनिंग सेंटर, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है, तो मेरी जो JTC हुई थी, यानी एक महीने हम लोगों की JTC मुरादाबाद पुलिस लाइन में ही हुई थी। JTC में क्या होता है, आप लोगों के अकाउंट वगैरह खुलते हैं, जिसका पहले से खुला हुआ होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के अकाउंट खुले हुए नहीं होते तो वहीं बैंक वाले आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आपका बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं। इसके अलावा हमारी वर्दी सिली जाती है उस समय में, और हमें सैल्यूट वगैरह करना, किस तरह से चलना है, ये सब कुछ उसमें सिखाया जाता है, जो हमारी JTC होती है। तो JTC इजी होती है, JTC में नॉर्मल ही PT वगैरह करवाई जाती है, थोड़ी बहुत रनिंग करवाई जाती है 2-3 किलोमीटर, तो JTC में बहुत इंजॉय होता है सही बताऊं तो। उसके बाद जब RTC आती है, RTC के लिए हमें दूसरे सेंटर पर जाना होता है। JTC हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही होती है और RTC किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों की बैच की पूरे 60,244 लोगों की एक ही बैच में ट्रेनिंग हो जाएगी, ये ऐसा पहली बार हो रहा है यूपी पुलिस के इतिहास में। पहले 19 बैच की ट्रेनिंग भी हमारी दो भागों में हुई थी, पहले सिविल पुलिस की हुई थी फिर PAC की हुई थी, और जो 21 बैच है उसकी ट्रेनिंग 3 बैच में हुई थी, उसमें कोरोना वगैरह आ गया था तो 3 बैच में उन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो बैच होते हैं उनमें ट्रेनिंग होने में, अगर आपका बैच लास्ट में पड़ रहा है तो उसमें बहुत नुकसान होता है। एक तो आप 6 महीने या 1 साल घर पर रहोगे तो उस महीने आपको सैलरी वगैरह तो कोई मिलेगी नहीं, बल्कि आपको बचकर रहना होता है, चोट वगैरह ना लग जाए आपके, या कोई लड़ाई झगड़ा ना आपसे जबरदस्ती कर ले, तो कहीं ना कहीं लेट ट्रेनिंग होने से दिक्कत होती है। लेकिन जब हमारा एक ही बैच होता है तो हमारा जो वेतन है वो भी समान रहता है, तो बहुत सारे लाभ होते हैं एक ही साल ट्रेनिंग होने से। लगभग 28,000 से 29,000 कैंडिडेट एक बार में यूपी में इस समय ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन अब योगी जी ने और अधिकारियों पर दबाव बनाया कि इसे और थोड़ा एक्सपेंड करो, ताकि 35-40 तक हमारे ही यूपी में इन लोगों की ट्रेनिंग हो जाए, बाकी जो 20,000 के समथिंग छात्र बचेंगे उन्हें फिर अदर स्टेट या जो CISF और SSB वगैरह के सेंटर हमारे यूपी में हैं उनमें उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और फिर भी जो बचते हैं बचेंगे ही उन्हें फिर अदर स्टेट राजस्थान या फिर उड़ीसा नीमच, जहाँ CRPF का सेंटर है, उन जगहों पर भेज दिया जाएगा। तो दुआ ये करना कि आपकी ट्रेनिंग यूपी में ही हो, और यूपी में भी पुलिस लाइन में हो, PAC में ना हो, तो आपकी ट्रेनिंग आराम से हो जाएगी। वरना अगर आपकी ट्रेनिंग बाहर होती है CRPF या CISF सेंटर पर, तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल पैरामिलिट्री की तरह ही होगी और वो ट्रेनिंग आपकी बहुत टफ होने वाली है। अब हम बात करें कि ये 9 महीने होते कैसे हैं। जैसे एक महीने आपकी होगी JTC, ठीक है, इसके बाद हम लोगों की 6 महीने की RTC हुई थी और आप लोगों की 7 महीने की RTC होगी। अब 7 महीने से अलग 1 महीने लगभग एग्जाम चलते हैं, जो कि इंडोर भी होते हैं उसमें, आउटडोर भी होते हैं, फिर कुछ हम लोगों की ड्यूटी वगैरह भी बाहर लग जाती है, जैसे होली है, दिवाली है या फिर ईद वगैरह है, तो जो रिक्रूट होते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इन लोगों की भी ड्यूटी वगैरह लगा देते हैं त्यौहार पर। तो इस वजह से आप लोगों की जो RTC होगी वो लगभग 8 महीने की होगी।
यानी लगभग 7 महीने की आपकी आरटीसी होगी, 1 महीने इंडोर आउटडोर के एग्जाम प्लस ड्यूटी उनके लगा लो आप, 8 महीने हो गए, 1 महीने आपकी होगी जेटीसी, तो 9 महीने की आपकी टर्निंग होने वाली है। और उसके बाद 3 महीने का आप लोगों का होगा व्यावहारिक प्रशिक्षण। उसमें क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग पूरी करके आपकी ज्वाइनिंग होती है पुलिस लाइन में या थाने पर, तो वहां आप लोगों से हल्की ड्यूटियां करवाई जाती हैं जिनमें कम रिस्क होता है, और उनमें भी आपके साथ जो पुरानी कॉन्स्टेबल्स वगैरह हैं, हेड कॉन्स्टेबल्स होंगे, वो आपको समझाते हैं किस तरह की हम लोगों की ड्यूटी रहती है और हमें क्या करना होता है, पब्लिक डीलिंग किस तरह से होती है, किस तरह से लोगों को झगड़े में समझाना वगैरह, ये सब कुछ आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों का नसीब है कि आपकी ट्रेनिंग एक बार में हो रही है, वरना अगर 3 बार में ट्रेनिंग होती तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग 2 से 2.5 साल में पूरी होती और फिर जो अगली वैकेंसी है वो भी डिले हो जाती इसकी वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है यूपी गवर्नमेंट का, मैं तो कह रहा हूँ, जो कि एक बार में ही सबकी ट्रेनिंग हो जाएगी। दोस्तों सबसे ज्यादा जो मजा आता है वो आता है जेटीसी में, जो कि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में होती है, और शुरू के 7 से 8 दिन हम लोगों ने तो घर से ही अप डाउन कर लिया था क्योंकि वहां थोड़ी जान पहचान थी, तो घर से ही हम लोग 7-8 दिन चले गए। तो जो हमारे यहाँ से TMU या IFTM की बस जाती थी, क्योंकि हमारा जो घर है वो मुरादाबाद में पड़ता है, तो जो TMU की बस जाती थी हमारे गाँव से, उसी में हम लोग बैठ कर जाते थे। तो जो TMU के बच्चे थे, मतलब जो वहाँ पढ़ रहे थे, कोई BTech कर रहा था या कोई MTech कर रहा था, कोई BBA कर रहा था, वो सब हम लोगों को ऐसा देखते थे, पता नहीं हमने क्या बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही रुतबा होता है, उसमें भी फिर वर्दी वाली हो तो अलग ही है, क्योंकि वर्दी जो लोग पहने हुए होते हैं वो 1000 लोगों में भी अलग ही दिखता है अगर कोई एक आदमी वर्दी पहने हुए हो, तो कहीं ना कहीं एक अलग अट्रैक्शन उनकी आंखों में हम देखते थे, और हम लोगों से बहुत अच्छे से वो लोग बात करते थे। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट होता है JTC में, और ट्रेनिंग भी उस समय बहुत हल्की होती है, लेकिन जो RTC होती है, RTC बहुत टफ होती है। JTC के बाद जब हम लोग RTC में पहुंचते हैं तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि वहां पर मेहनत डबल ट्रिपल हो जाती है। जब हम लोग JTC के बाद RTC में पहुंचे थे तब पहले दिन ही उन्होंने 70-80 पुशअप लगवाए थे, फिर तरह तरह की एक्सरसाइज, मतलब काफ़ी थका देते थे वो लोग। और फिर कुछ दिन के बाद हम लोगों के फ्रेंड्स वगैरह वहाँ बन जाते हैं, लगभग 30 लोग एक टोली में रहते हैं, और फिर 7 से 8 महीने एक साथ फैमिली की तरह रहना होता है, और अधिकतर डेली या 1-2 दिन बाद किसी न किसी का बर्थडे आता रहता है, तो वहाँ पार्टियाँ वगैरह बहुत होती हैं ट्रेनिंग में, और फिर दोस्तों का एक अलग माहौल, मतलब बहुत इन्जॉयमेंट होता है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और फिर जब RTC पूरी हो जाती है, जब सब ट्रेनिंग पूरी करके अपनी अपनी पोस्टिंग वाली जगह जा रहे होते हैं, तो फिर सब एक दूसरे के गले मिल मिलकर रोते हैं, क्योंकि एक फैमिली की तरह ही वो लोग हो जाते हैं। तो फिर उनसे अलग होना, अलग पोस्टिंग, अलग थाना, अलग जिला मिलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पूरी इंजॉय करना, बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं। सैलरी के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, इस समय वर्दी भत्ता और DA कई चीज़ें हमारी बढ़ चुकी हैं पहले की अपेक्षा, तो उसके ऊपर मैं एक अपडेटेड वीडियो अगली वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।